आईफा मतलब एकदम बड़ा वाला अनबिलीवेबल। मध्य प्रदेश इंदौर में होने वाला है तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। जाना है पक्का है वो तो 100% कोई सी भी मैनेजमेंट टीम से लगा कर बढ़ जाना है क्योंकि दुबई हांगकांग यूरोप लंदन जैसे सिटीज मतलब कंट्रीज से अब सीधे यहाँ पे आईफा आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाऊंगा। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो बिकॉज इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। जी मैं तो सलमान खान को देखना चाहता हूँ। नमस्कार टैलेंटेड इंडिया देख रहे हैं आप और इंदौर का सबसे बड़ा इवेंट आईफा होने जा रहा है भैया आईफा। लेकिन दर्शकों के बीच क्या एक्साइटमेंट है और हम लोग आज सीधे आए हैं प्रेस्टीज कॉलेज में जहां ये जानने की यहां के बच्चों को आईफा को लेकर क्या एक्साइटमेंट है और वो किन्हें देखना चाहते हैं। तो चलिए सीधे जानते हैं प्रेस्टीज के स्टूडेंट से। अच्छा आईफा होने जा रहा है कितनी एक्साइटमेंट है क्या एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम इंदौर में आईफा हो रहा है तो सबको यही एक्साइटमेंट है कि आईफा अटेंड करने को मिल जाए या फिर वहाँ सेलिब्रिटीज को देखने को मिल जाए। एक्साइटमेंट कैसा एक्सप्रेशन? एक्साइटमेंट मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में पता चला कि आईफा आईफा मतलब लाइक सीरियसली मतलब जब पहली बार सुना था इसके बाद तो मतलब ऐसे हो गए थे बॉम्बे के बाद मतलब इंडिया में सेकंड सिटी है जो जहाँ पर आईफा होने जा रहा है और अब तो ऐसा है कि बस इसकी कोई सी मेंबर मतलब कमिटी में जुड़ जाना है बस और एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिले बस। एक्सप्रेशन फॉर आईफा बेसिकली आईफा अभी तक हम बचपन से देखते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट है ऑल ओवर इंडस्ट्री के लिए तो अब वो मध्य प्रदेश इंदौर में होने वाला है तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की बात है तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आईफा मतलब एकदम बड़ा वाला अनबिलीवेबल बिकॉज हमने हमेशा ऐसे टीवी पर देखा है कलर्स पर आता था और हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखते थे आईफा आने वाला है यार आईफा के अवार्ड्स देखते हैं एंड नाउ इंदौर में अब खुद होने जा रहा है सो इट्स अ बिग डील। अच्छा एक्टर्स की बात कर लेते हैं मतलब आईफा 2020 में इंदौर में सभी सेलिब्रिटीज एक साथ आने वाले हैं ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए और एक साथ दिखना तो ये जानते हैं कि किसे आपको देखना है और कौन है आपका बेस्ट एक्टर उसको आप देखना चाहते हैं। बेस्ट एक्टर मेरा बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह ऋतिक रोशन रणबीर कपूर रणबीर कपूर सलमान खान सल्लू भाई हमेशा फेवरेट रहे इंदौर के सल्लू भाई इंदौर के सल्लू भाई ऑफ कोर्स उनसे मिलना है और उनके शाहरुख खान ओके सलमान खान शाहिद कपूर। अच्छा भैया एक्टर्स की बात हो गई अब सुन लेना शाहिद कपूर सलमान खान रणवीर सिंह रणबीर कपूर सबको आना है क्योंकि ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं ना। चलो एक्ट्रेस की बात सबसे लड़कों से जानते हैं क्योंकि उनको क्या एक्ट्रेस को देख के थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं लड़के लोग स्पेशली। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी और किसे देखना चाहते हैं? अनन्या पांडे ह्यूमर बहुत अच्छा है और यंगस्टर में तो बहुत ही छाई हुई है। यस मैम आलिया भट्ट क्यों क्यूट लगती है दीपिका दीपिका पादुकोण। जी मैं तो सलमान खान को देखना चाहता हूँ एक्ट्रेस लेकिन फिर भी भैया जैसे अनन्या वो मेरे हमेशा से गुरु रहे हैं और मैं ऑफ कोर्स अभी मैं ना उन चीजों पे ध्यान नहीं लगाना चाहता तो अभी मैं सलमान जी को ही देखना चाहूंगा। साक्षात गुरु के दर्शन आपको जरूर होंगे हाँ आईफा में होस्ट करने वाले हैं सलमान खान बता दें हम आपको आईफा। अब जैसा कि आपने आलिया भट्ट बता दिया लेकिन आलिया भट्ट तो किसी और की हो चुकी है रणवीर कपूर की अब रणवीर कपूर भी वहाँ आने वाले हैं तो फिर ऐसा जलन वाली भावना नहीं होने के बावजूद भी गोल कर देते हैं लोग ओके मतलब गोल तो करना ही है ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस सारा अली खान दिशा पाटनी दीपिका पादुकोण। अच्छा एक्टर एक्ट्रेस की तो बात कर ली लेकिन वहाँ डांस भी बहुत होने वाले हैं और अभी सभी को पता है कि आइटम्स गर्ल्स बहुत चल रही बॉलीवुड में हाँ जैसे नोरा फतेही है मलाइका अरोरा है तो ऐसी कौन है जिसके ठुमके बड़े पसंद है? नोरा फतेही हाय गर्मी नोरा फतेही मैं मलाइका का नाम नहीं लूंगी वरना अर्जुन मुझे मारेगा लेकिन फिर भी पर नोरा फतेही सलमान भाई मतलब ये बंदा तो जो है ना वो तो बिल्कुल साक्षात गुरु शिष्य बने भैया की हॉट एक्ट्रेस हो क्या एक्टर एक्ट्रेस सलमान ही उनके लिए नोरा फतेही बन गए हैं एक्ट्रेस भी सलमान मतलब सलमान भाई आपको तो फिर आना ही पड़ेगा। मेरा अब दिखता है यार मैं क्या करूं सलमान भाई को ऐसे मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स मलाइका नोरा फतेही। अच्छा ठीक है बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की बात हो गई अब बात कर ले थोड़ी सी क्रश की क्रश कौन है जिसे देख के लगता है हाय मेरी तो इससे शादी हो जानी चाहिए? सारा अली खान ओह माय गॉड दिशा देखिए भैया नए नए आ रहे हैं यहाँ तो डिमांडिंग हो रहा है मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अरे लेकिन फिर भी लगता है कि जिसकी फॉलो बार बार करते हैं कि हाँ अभी तक तो कोई नहीं लेकिन फिर भी ठीक है हाँ आई वुड से रणबीर कपूर ओके रणबीर कपूर कपूर साहब की बहुत फैन है लेकिन आलिया अगर आ गई ना तो छोड़ेंगे नहीं आपको आईफा में सलमान खान यार ये
भैया देखो क्रश, मतलब शादी भी करेंगे तो सलमान खान से ही करेंगे। जब तक भाई सिंगल है, आपुन सिंगल है। ओके। जब भाई मिंगल करेगा। विक्की कौशल। विक्की कौशल के भी बहुत फैन है, उरी के बाद से तो होना ही है। श्रद्धा कपूर। नूरा फतेह अली। क्रश क्रश मतलब देख लीजिए, नूरा फतेह अली के भी बहुत फैंस हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया आप लोग सभी चलाते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक है सब चलाते हैं, लेकिन ऐसा बार बार कि जिसकी प्रोफाइल आप डेली देखते हो, किसने नया क्या डाला है? सारा अली खान एंड दीपिका पादुकोण। ओके, दोनों की देखते हैं। हाँ। सारा तो अभी वैसे किसी का कंफर्म नहीं हुआ ये किसकी हुई है, लेकिन दीपिका पादुकोण तो हो ही गई है। yes. रणवीर सिंह की। दीपिका एंड दिशा। डेली देखते हो? डेली। मतलब इनको अभी आईफा में देखना है लेकिन। बिल्कुल यार, पूरा मतलब देखिए आईफा वालों, डिमांड तो देखिए हर जगह डिमांड है कि इंदौर में ये बंदी तो चाहिए ही चाहिए। तापसी पन्नू। जानवी कपूर। ओके, जिसकी डेली आप फॉलो करते हो? जी बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर भी सलमान खान को देखता हूँ, क्योंकि है ना मेरे को पक्का करना होता है कि सलमान भाई किस शहर में है, तो मैं गाड़ी लेकर बाहर निकलूँ कि नहीं निकलूँ। अच्छा, सलमान के अगर इतना फैन है तो एक एक्ट और एक डायलॉग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि सलमान खान खुद आपसे मिल जाए। भाई कहाँ थे आप? सलमान खान की बुराई होगी अगर मैंने उनका डायलॉग किया तो। ठीक है, कोई एक्टिंग कर दो, डांस की कोई एक्टिंग जो बहुत पसंद। अजी सलमान जी तो मेरे को पूरे पसंद था, मैं क्या बताऊँ आपको। कोई एक्ट उनका? जी मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तो फिर सलमान भाई कैसे मिलेंगे यार, कुछ तो बताओ कि वो आपसे मिलने के लिए आए। उनको मेरे पास ले आएगा। ओके। दीपिका। दीपिका पादुकोण की प्रोफाइल डेली देखते हो? ओके। आलिया भट्ट। दिशा पटानी। ठीक है, अब ऐसा हो कि आईफा के दिन आप लोग निकले हैं इंदौर मार्केट में घूमने के लिए, ठीक है, और ऐसे कोई पानी पूरी खा रहा है, ऐसे पता चले कि सामने सलमान, शाहरुख, रणवीर सिंह खड़ा है भैया की, तो क्या एक्सप्रेशन होगा? मैं बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाऊंगा। एक्सप्रेशन लेस की? हाँ, मतलब कोई एक्सप्रेशन कुछ बचा ही नहीं अब, मतलब रो दूंगा मैं। अच्छा, रो दूंगा। एक्सप्रेशन सलमान, एक्सप्रेशन सलमान खान नहीं। फिर किसके? ऑब्वियसली ऋतिक रोशन के लिए। एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? कुछ नहीं, बस मैं देख के ही, मतलब देख के बेहोश तो हाँ हो सकता हूँ। इन केस इफ आई लुक एट सारा अली खान, आई वुड बी फुली मेस्मराइज्ड। ओके। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, बिकॉज इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, मेरे पास लेटर भी नहीं आया, ये तो बड़ी बात हो गई। खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल। अगर मेरे को कभी सलमान भाई कभी भी मेरे को दिख जाएंगे रोड पे या गाड़ी चलाते हुए, तो मैं तो ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं क्या करूंगा। ऊपर तो नहीं पहुंचोगे ना? फुटपाथ पे बैठेंगे, फुटपाथ पे बैठेंगे। नहीं, सलमान भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलते यार, वो पूरी तरह से क्लीन है। वो है गुरु। हां, वो पूरी तरह से क्लीन है सलमान भाई। आई विल जॉइन देम। जॉइन देम। ओके। देखिए भैया, एक्सप्रेशन मतलब आईफा को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है, ठीक है, अगर ये पता चले कि रात में आप सो रहे हो और आपके पास आके कोई आईफा की टिकट रख के जाता है, फिर क्या? मैं बिल्कुल नेक्स्ट डे, मतलब ऑफ कोर्स जाऊंगा, मैं अटेंड करने जाऊंगा इवेंट। और अगर नहीं रखी हो तो भी जाओगे? हाँ, पूरा ट्राई करूंगा, जो भी सोर्सेस के थ्रू जो भी है ट्राई करूंगा आईफा में जाने का, बट सी क्या होता है। हाँ, आईफा में जाना है, जाना है, पक्का है वो तो 100%, कोई सी भी मैनेजमेंट टीम से लगा कर बढ़ जाना है। तो सुन लो आईफा वालों, आपने करवा दिया ना इंदौर में, पर ये बंदे सब आने वाले आईफा में, ठीक है। इन केस अगर आईफा का पास मेरे पास में रखा होता तो मैं यही समझूंगी कि सपना और मैं वापस सो जाऊंगी, लेकिन फिर भी जाना तो है ना, नहीं भी रखा? बिल्कुल जाना है। सबसे पहले सारे हॉस्टल गर्ल्स से पूछूंगी सबसे बेस्ट ड्रेस किसके पास है, क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत मायने रखता है। और आईफा में तो जाना ही, बिल्कुल जाना है। मैं भी अपनी बेस्ट बनियान पहनेंगे, क्योंकि सलमान भाई बॉडी और ये वाली चीज़ बहुत मिलती है, तो डायरेक्ट आईफा जाऊंगा, मतलब और क्योंकि मेरे को भाई से इम्प्रेस और बहुत सी टिप्स भी लेनी है उनसे कि है ना उनकी इस साल की उम्र में भी, इस उम्र में भी इतनी अच्छी बॉडी है। अच्छा, और तो मतलब बनियान पहन के जाना, ताकि बिल्कुल एकदम हाईलाइट हो जाओ दूर से। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, वही वाले कारण से। अच्छा, क्योंकि मैं पूरी तरह से वो शर्टलेस नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स संस्कार बीच में जाते हैं। लेकिन भाई अब सलमान खान को दिखना है, फिर कैसे दिखोगे? कुछ ऐसा कुछ स्पेशल सलमान खान के लिए? सलमान जी के लिए मेरे को लगता है वही बहुत स्पेशल हो जाएगा मेरे। जाएंगे और क्या, आईफा है वो, कैसे मिस कर सकते हैं, कैसे मिस करें? क्योंकि ऐसे तो हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं टिकट जुगाड़ ही लेते हैं, लेकिन अब आईफा हो रहा है तो फिर तो टिकट लेके भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाऊंगा, मैं भी कर दिया मैंने तो बैंक में। अच्छा, लोन ले रहे हो आईफा के लिए? जी जी, बहुत ज्यादा सस्ती टिकट नहीं है इसलिए। अरे सस्ती से बता दूं, अभी कल ही अनाउंस हुआ है कि 500 रुपए से लेके 40,000 तक की टिकट है। तो 500 रुपए की नहीं है टिकट? अरे किसने बोला, न्यूज चैनल में जाके देखिए। अरे लेकिन फिर भी लोन ले लिया है ना, लोन ले लिया है ना, अब तो आईफा में जाना ही है, ठीक है ना? वो फीस मैं कॉलेज में भर दूंगा, कोई बात नहीं। बिल्कुल जाऊंगा आईफा में, जाना है।
बिल्कुल आईफा में ऑब्वियसली जाना है क्योंकि दुबई, हांगकांग, यूरोप, लंदन जैसे सिटीज मतलब कंट्रीज से अब सीधे यहाँ पे आईफा आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है. ऑब्वियसली जाएंगे, पूरा ग्रुप जाने वाला है ऑब्वियसली. शायद तो एक बार हो जाए सबके लिए वी रॉक इंदौर, वी रॉक आईफा, वी रॉक आईफा, वी रॉक आईफा, वी रॉक इंदौर, वी रॉक इंदौर. और वेलकम कैसे करने वाले हैं आईफा का? वेलकम आईफा. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.